दो हफ्ते के अंदर तुम्हें फिर से जेल से किसी बहाने से निकालेंगे और निपटा देंगे। अधिकारी का नाम बताइए, अधिकारी का नाम। इलाहाबाद के चीफ जस्टिस को और माननीय मुख्यमंत्री को मेरा बड़ लिफाफा पहुंच जाएगा अगर मेरी हत्या होती है तो। दो हफ्ते में निपटा दिए जाओगे, दो हफ्ते में फिर तुमको निकालेंगे और निपटा दिए जाओगे। दो हफ्ते में फिर निकालेंगे, निपटा देंगे। सिर्फ 4 मिनट। और अतीक अहमद के भाई अशरफ अहमद ने 5 बार अपनी हत्या की बात की, कहा निपटा देंगे ये लोग। जी हाँ, 5 बार, वो भी मीडिया के कैमरे में रात 2 बजे। 28 मार्च की रात जब अशरफ अहमद को प्रयागराज से वापस बरेली जेल लाया जा रहा था, तब उसे अपनी मौत का खौफ दिखाई दे रहा था। दो हफ्ते के अंदर तुम्हें फिर से जेल से किसी बहाने से निकालेंगे और निपटा देंगे। किसने दिए? किसने? एक बड़े अफसर ने दिए, मैं उनका नाम नहीं ले सकता। यूपी क्यों नहीं ले सकते? नाम बताओ, नाम। अच्छा पूरी बात बताओ, किस किसने किस किस सकता मैं। अच्छा आप पर उमेश पाल की भी हत्या का आरोप है? हत्या का जो आरोप है ये साजिश है परिवार को फंसाने की और उत्तर प्रदेश की सरकार को बदनाम करने की। माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर भी फर्जी मुकदमे लग चुके हैं। वो अच्छी तरह मेरी पीड़ा को समझते हैं, वो अच्छी तरह मेरी पीड़ा को समझते हैं। उनके ऊपर भी फर्जी मुकदमे लग चुके हैं। तो मुख्यमंत्री जी खुद कह रहे हैं कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। तो मैं माफिया दिख रहा हूँ आपको? मैं 3 साल से जेल में हूँ। 100 से ज्यादा मुकदमे आपके भाई के ऊपर है, आपके ऊपर है, आपके भतीजे के ऊपर। 5 बार के विधायक है और सांसद भी है, मैं भी 1 बार का विधायक रह चुका हूँ। पिछले कई सालों से जेल में है, मैं 3 सालों से जेल में हूँ, मैं कैसे साजिश रच सकता हूँ? शाइस्ता परवीन फरार है, असद फरार है। वो मेयर का चुनाव लड़ने वाली थी, वो प्रचार में लगी हुई थी, इसलिए उनको फंसा दिया गया। 11 फरवरी को कौन लोग आपसे मिलने आए थे यहाँ पर? उमेश पाल की मिलने आते हैं, बैठ के मुलाकात कराती है। कौन आएगा मुझसे मिलने? लेकिन 9 लोग मिलने के लिए आए थे और उनका नाम है शामिल है। 500 कैमरे लगे हुए हैं। यार आईडी देख लो ना यार, कराई जाती है अधिवक्ता तक के सामने, बठाल के एलआईजी के सामने मुलाकात कराई जाती है। उस अधिकारी की अधिकारी अधिकारी का नाम बताइए, अधिकारी का नाम। आप जो बता, अरे मर ही जाओगे तो अधिकारी का नाम लेके जाओगे, तो अधिकारी का नाम तो बता दो, अधिकारी का नाम। माननीय चीफ जस्टिस को और इलाहाबाद के चीफ जस्टिस को और माननीय मुख्यमंत्री को मेरा बंद लिफाफा पहुंच जाएगा अगर मेरी हत्या होती है तो। क्या होगा उस बंद लिफाफे में? उसका नाम होगा जिसने धमकी दिया है। किसने धमकी दी है? क्या धमकी दी है, एक बार बता दीजिए। 2 हफ्ते में निपटा दिए जाओगे, 2 हफ्ते में फिर तुमको निकालेंगे और निपटा दिए जाओगे। तो नाम बताने में क्या दिक्कत है? आपके ऊपर आरोप है, इसीलिए आपको रिमांड मांगा जा रहा है। हाई कोर्ट का साफ आदेश है कि जो भी कानूनी कार्रवाई कोर्ट करना चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेल में कर सकती है। लेकिन फिर भी मुझे कोर्ट से और मेरे भाई को जेल से निकाला गया। अच्छा, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि कोई भी कानूनी कार्रवाई करनी हो उसके लिए कोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कर सकती है। अशरफ आज अतीक अहमद से मुलाकात हुई, बात हुई, और हाईकोर्ट ने ये भी आदेश दिया है मेरे लिए जब मुझे किसी भी वजह से जेल से अगर ट्रांसफर वगैरह के लिए निकाला जाए। अशरफ ये बताइए, किससे आपकी जान का खतरा है? किस तरीके आपको किसने कहा ये बात? एक बड़े अधिकारी। क्या कहा? ये अशरफ हैं जो बड़े ही गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इनका कहना है कि एक अधिकारी ने इन्हें बताया है कि 2 हफ्ते के अंदर इन्हें जेल से बाहर निकालकर इनकी हत्या कर दी जाएगी। लेकिन उस अधिकारी का नाम बताने से वो इनकार कर रहे हैं। साथ ही इस बात का कोई जवाब नहीं है कि 100 से अधिक मुकदमे इन पे और इनके परिवार पे हैं, जिसमें अभी कोर्ट द्वारा फैसला आना बाकी है। फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक चर्चा का विषय बना हुआ है। बरेली से कृष्ण गोपाल राज की रिपोर्ट, दीपिता।